हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। हाँ चलिए हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि टाइम एंड वर्क से रिगार्डिंग एक स्पेशल टाइप्स का क्वेश्चन है जो कि मोस्टली कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम इसका स्टेप्स ये स्टेप्स पढ़ते जाएंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, नीरज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। मतलब नीरज किसी काम को 25 डेज में कम्प्लीट कर लेता है। तो हम नीरज को यहाँ पर हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं कि नीरज किसी काम को 25 डेज में कम्प्लीट कर लेता है। एंड सुष्मित कैन डू इट 20 डेज। और उसी काम को जो सुष्मित है हमारा वो क्या 20 डेज में काम कंप्लीट करता है। ओके अब ये लिखते हैं कि दे वर्क फॉर 5 डेज। वो दोनों 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। देन नीरज गोज अवे। फिर नीरज क्या है चला जाता है। मतलब दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं, फिर क्या नीरज चला जाता है। इन हाउ मेनी मोर डेज विल सुष्मित फिनिश द वर्क। तो जो सुष्मित अकेला काम करेगा तो वो उस जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है तो हम लोग चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है जो कि प्रत्येक वर्क का टाइम और वर्क से रिगार्डिंग क्वेश्चंस में लगता है। तो पहला क्या है, आपको सबसे पहले निकालना है टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना है। टोटल यूनिट निकालना है जो कि आप कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेके निकाल लेंगे। ठीक है दूसरा आपको क्या निकालना है, यूनिट पर डे। यूनिट पर डे से निकाल लेंगे। ये आपको दो चीज़ें लगानी है और आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टोटल यूनिट निकालना। टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालना। टोटल यूनिट कैसे होगा, तो एलसीएम ऑफ 25, 25 और 20 का निकालेंगे। तो जो आपका एलसीएम निकल आएगा वो हो जाएगा आपका 100। तो आपको 100 यूनिट वर्क करना है टोटल। तो अब यहाँ पर निकालेंगे, आपका पहला स्टेप काम का कंप्लीट हो गया कि टोटल यूनिट आप वर्क निकाल लिया। अब दूसरा आपको निकालना है यूनिट पर डे। तो यूनिट पर डे के लिए निकालेंगे, पहले निकालते हैं हम नीरज का यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है। तो यूनिट पर डे के लिए आपको निकालेंगे टोटल यूनिट कितना है, 100, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। यूनिट 100 हो गया। अपॉन डेज निकालना है, डेज कितना 25 दिया हुआ, 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट पर डे आ जाएगा। मतलब नीरज एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है। अब इस तरह से हम सुष्मित की बात करें तो सुष्मित क्या होगा, यूनिट पर डे। तो 100 यूनिट है अपॉन डे मतलब 20। तो जो सुष्मित है हमारा वो क्या है, 5। ठीक है 5 यूनिट पर डे काम करेगा। मतलब सुष्मित जो हमारा एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ओके अब ये क्या है, अब दोनों अगर मिलके काम करें नीरज और सुष्मित, तो वो क्या होगा, एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ये हो गया 4 + 5, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9 यूनिट पर डे। तो ये 9 यूनिट पर डे आ गया। मतलब अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वो एक दिन में 9 यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो एक दिन में 9 यूनिट काम कर लेते हैं। तो जो 5 डेज में कितना यूनिट काम कर कंप्लीट कर लेंगे, तो 9 × 5 इतना यूनिट, मतलब इतना हो जाएगा 45 यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हमारा रिमेनिंग वर्क है, अब कितना हमारा रिमेनिंग यूनिट बचा हुआ है, रिमेनिंग यूनिट बचा हुआ है। टोटल यूनिट कितना था हमारे पास, 100, और दोनों ने मिलकर 45 यूनिट को कंप्लीट कर लिया। तो हमारे पास जो टाइम यूनिट बचा हुआ है वर्क का 55 यूनिट, हमें इतना और कंप्लीट करना है। अब क्या होता है कि नीरज चला जाता है और सुष्मित को अकेला काम करना पड़ता है। तो सुष्मित इस 55 यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, तो यहाँ पर हम निकालते हैं सुष्मित के दिन। तो डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट कह लीजिए या फिर रिमेनिंग यूनिट, तो अपॉन में क्या होगा, सुष्मित का यूनिट पर डे। तो टोटल यूनिट यहाँ पर कितना बचा हुआ हमारे पास, 55 यूनिट। मतलब रिमेनिंग यूनिट कितना हो गया, 55 यूनिट हो गया अपॉन सुष्मित, एक दिन में 5 यूनिट पर डे काम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यूनिट पर डे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर निकल आएगा 11 डेज। मतलब अगर सुष्मित अकेला काम करेगा तो वो 11 डेज में इस काम को कंप्लीट कर पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा और इस ट्रिक का आप यूज करके टाइम और वर्क रिगार्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल्स हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।